नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल IQ जोन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 35 क्वेश्चन जो GK के थे डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में उसी वीडियो का पार्ट टू लेकर आया हूँ, जिसमें 60 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर से। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 36। उसमें क्या दिया गया है सबसे पहले देख लेते हैं। कैलाश चतुर्थी को 2014 का डैश दिया गया था, तो आपको बताना है कैलाश चतुर्थी को 2014 में किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार, शांति के लिए नोबल पुरस्कार, भौतिक विज्ञान के लिए नोबल पुरस्कार, या चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शांति के लिए नोबल पुरस्कार। एक और जो उनके साथ मिला था संयुक्त रूप से नोबल पुरस्कार, वो थी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफ जई, जो कि पाकिस्तानी मूल की हैं। तो दो लोगों को संयुक्त रूप से शांति का नोबल पुरस्कार मिला था 2014 में। एक थे हमारे देश के सत्यार्थी कला सत्यार्थी, और दूसरी थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जई। दोस्तों, बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। भौतिक के लिए नोबल पुरस्कार किनको मिला था? तो भौतिक के लिए नोबल पुरस्कार मिला था इसामू आकासाकी को। इसामू आकासाकी एक और थे, उन संयुक्त रूप से उनको भी मिला था। तीन लोग थे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले। एक थे हिरोशिमी अमानो दूसरे थे। एक तीसरे थे सुजी नाकामुरा। तो ये थे फिजिक्स के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2014 के विजेता। चिकित्सा के क्षेत्र में देख लेते हैं दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में भी तीन लोग पाए हैं, एडवर्ड मोजर में ब्रिट मोजर, या मोजर उसको बोल सकते हैं। एक थे जेक जॉन ओ कीफी। ये तीनों संयुक्त रूप से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के विजेता हैं 2014 के। साहित्य के लिए देख लेते हैं दोस्तों, छूट रहा था। तो साहित्य के लिए थे पैतृक मोदियानो। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2014 जीता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 37वें क्वेश्चन की तरफ। भूकंप उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु या स्थान को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है जो प्रारंभिक बिंदु या स्थान होता है भूकंप में, वो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन में है केंद्र, दूसरे में है भूकंप केंद्र, अभिकेंद्र, या ज्वालामुखी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, भूकंप केंद्र, उसको भूकंप केंद्र बोलते हैं। आइए भूकंप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है भूकंप। भूकंप को भूचाल भी कहते हैं, भूकंप को भूचाल भी कहते हैं। दोस्तों, भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहा जाता है, या पृथ्वी के स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगों से होता है। इसको मापने का यंत्र है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो दोस्तों, दूसरे का हो जाएगा 37वें हो जाएगा, भूकंप उत्पन्न होने के प्रारंभिक को कहा जाता है भूकंप केंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। मर्मागोवा, पारादीप, तूतीकोरिन, या एन्नूर। तो 38वें को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्मागोवा। ये पश्चिमी साउथ गोवा में स्थित है मर्मागोवा। और जो पारादीप है दोस्तों, पारादीप स्थित है उड़ीसा में। और तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है तमिलनाडु। और जो एन्नूर है वो चेन्नई में है। ये सब पोर्ट है, मतलब बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो इसका हो जाएगा पश्चिम में है गोवा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, झेलम, चिनाब और रावी होगा, की उपनदियाँ हैं, मतलब किस नदी की ये सब सहायक नदियाँ हैं,
ये आपको बताना है। तो झेलम चिनाब रवि, ऑप्शन में देख लेते हैं, किसकी सहायक नदियाँ हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, इंडस। इंडस इंडस रिवर की हैं सब सहायक नदियाँ। इसकी मुख्य रूप से पांच नदियाँ जो कि पंजाब राज्य में हैं, चिनाब चिना चिनाब या चेनाब, पहली है चिनाब, झेलम, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं इंडस की, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज। दूसरे ऑप्शन में दिया गया था गंगा, तो गंगा की भी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गंगा की सहायक नदियाँ हैं गोमती, गोमती, घाघरा, गोमती, घाघरा, गंडक, गंडक, व्यास, सॉरी, कोसी, यमुना, सोन, ये सब आदि नदियाँ जो हैं गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के तीस्ता रिवर है, और कृष्णा ये साउथ की रिवर है जो कि भारत में चौथे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, नदी है। भारत देख लेते हैं, भारत में सबसे चार जो सबसे बड़ी नदियाँ हैं उनके नाम, तो सबसे नंबर एक पे आती है गंगा, गंगा सबसे बड़ी नदी है। दूसरे पे आती है गोदावरी, जिसको साउथ की गंगा बोल लेते हैं, तो गंगा और गोदावरी, और तीसरे पे आती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र दोस्तों, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है लेंथ वाइज, लेकिन इंडिया में उसकी तीसरे नंबर पे पोजीशन आती है, और चौथे नंबर पे करंट क्वेश्चन में जो है कृष्णा नदी। तो दोस्तों 39वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस। झेलम, चिनाब, रावी इंडस नदी की सहायक नदियाँ हैं या उपनदियाँ हैं। प्रश्न 40 में दिया गया है दोस्तों, FDI का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है FDI का पूर्ण रूप क्या है। तो 40वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI का हो जाएगा फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। 41वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं, आपको बताना है दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों दीपक कर्माकर हैं हॉकी, टेनिस, जिमनास्ट या तैराकी। तो इसका हो जाएगा 41वें का ऑप्शन नंबर थ्री, जिमनास्टिक से। तो दीपक कर्माकर जिमनास्टिक से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण मठ के जो संस्थापक थे उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन में दिया गया है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र या हंसराज। तो दोस्तों 42वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, विवेकानंद। रामकृष्ण मठ के जो संस्थापक थे विवेकानंद, विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण, तो उन्हीं के नाम पर उनको रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने किया। ऑप्शन ए में देख लेते हैं दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज के संस्थापक थे। केशव चंद्र, केशव चंद्र को ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक माना जाता है केशव चंद्र को। और जो हंसराज हैं, हंसराज को पंजाब में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, वैदिक विद्यालय के लिए की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों 42वें का उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मठ के संस्थापक थे विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 43वें की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, आपको बताना है सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था। ऑप्शन देख लेते हैं, पक्की ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, धर्मस्थल, कला और वास्तुकला। तो 43वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, पक्की ईंटों से बनी इमारत या उसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी, पक्की ईंटों से बनी इमारत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में से
था। एक ही भगवान पर भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता, आदर्श पूजा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 44वें का ऑप्शन नंबर 3, विचार और आचार की शुद्धता। विचार और आचार की शुद्धता सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? बाढ़ रोकने के लिए, छांव के लिए, सिल्टिंग और अपरदन को घटने के लिए, घटने नहीं घटाने के लिए होगा वहाँ पर, सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए। तो 45वें को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए। मिट्टी के कटाव को अपरदन कहा जाता है। पेड़ की जो जड़ें होती हैं मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, वो जकड़े रहती हैं मिट्टी को, इसलिए उसे मिट्टी नहीं बहने पाती है, तो उसी को अपरदन कहते हैं। तो सिल्टिंग और अपरदन घटने के लिए ही रोकता है पेड़ नदी के तट पर, इसीलिए उसकी उपयोगिता ज़्यादा हो जाती है। 46वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष डैश में पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है स्थान के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन में दिया गया है बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौदा। तो दोस्तों 46वें को हो जाएगा हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी हम्पी। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, हम्पी। आगे बढ़ते दोस्तों, अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि कौन था? आपको बताना है अकबर के दरबार का सुप्रसिद्ध कवि कौन था? बीरबल, तुलसीदास, बैरम खां या रहीम। तो अकबर के दरबार का जो सुप्रसिद्ध कवि थे वो रहीम थे। रहीम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। रहीम अकबर बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां रहीम जब 5 वर्ष के, तभी बैरम खां की मृत्यु हो गई थी। बैरम खां जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, बैरम खां अकबर के वजीर थे या वही उनके संरक्षक भी थे। बैरम खां को एक उपाधि दी गई थी, खाने खाना, खाने खाना, इसलिए फेमस हैं खाने खाना नाम से। तुलसीदास ऑप्शन बी में दिया गया, तुलसीदास। तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे, जिन्होंने रामचरित, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि की रचना की। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बीरबल, जो कि उनका मुख्य सेनापति थे बीर अकबर के। उनका बीरबल को महेशदास भी कहा जाता है, महेशदास नाम से जाना जाता है, जो बचपन में उनका नाम था महेशदास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 48वीं तरफ, राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे। तो राजा राम मोहन राय के कार्यों से जो संबंधित नहीं थे उनको आपको बताना है। तो उसमें देख लेते हैं ऑप्शन, सती निषेध, विधवा पुनः विवाह, अंग्रेजी प्रोत्साहन या संस्कृत शिक्षा। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 48वें का 4, संस्कृत शिक्षा। राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे, बाकी अंग्रेजी प्रोत्साहन, विधवा पुनः विवाह, सती प्रथा सबका ही उन्होंने अंत किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 49वीं तरफ, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी, सरदार पटेल। तो दोस्तों 49वें को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेवी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो थे जेवी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 50वें क्वेश्चन की तरफ, खासी जनजाति में रहती है, खासी जनजाति किस प्रदेश में रहती है, ये आपको बताना है, मेघालय, असम, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों 50वें को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेघालय। मेघालय में खासी जनजाति रहती है। तो कुछ और जनजातियों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, मेघालय की और जनजातियां हैं जिनको गारो भी कहा जाता है, गारो, गारो खासी, और एक और है जयंतिया, जो कि पहाड़ियों के मिलान से, असम, पहले तो असम में ही था ये सब,
लेकिन असम की जो पहाड़ियाँ थी गारो खासी जनजातियों को जब काट के अलग राज्य बना मेघालय, तो स्थान के नाम से इनकी जनजातियों का नाम रखा गया गारो खासी जनजातियाँ। असम, असम में भी वही गारो खासी जनजातियाँ। राजस्थान में देख लेते दोस्तों, राजस्थान में जो जनजातियाँ रहती हैं मुख्य रूप से उनका नाम है भील, भील उनको बोलते हैं, जिनके आगे भील लगा रहेगा वो समझ लो राजस्थान के हैं। भील, भील गरसिया, बघेलिया, डुंगरी, डुंगरी डुंगरी का राजा एक फिल्म बनी थी, तो डुंगरी, डुंगरी भील भी राजस्थान की जनजाति है। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं दोस्तों गोंड, मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश की जो जनजाति है वो गोंड और बैगा, बैगा ये सब जनजातियाँ हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश की। एक है सहरिया, सहरिया ये प्रमुख जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश की। तो इसमें पूछा गया था खासी जनजातियाँ कहाँ किस प्रदेश की जनजाति है, तो दोस्तों ये हो जाएगा मेघालय की, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने की, सी गोपालाचारी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या एम ए जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। 52वें क्वेश्चन एकदम देखते हैं, एक खगोली एकम के बीच की दूरी का औसत अंतर है, एक खगोली एकम के बीच की दूरी का औसत अंतर क्या है दोस्तों। 52वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं एक खगोली एकम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पवन के वेग का संनियामक क्या है, पवन के वेग का संनियामक क्या है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं, दाब प्रवणता, फेरल नियम, पृथ्वी का घूर्णन या तापमान। तो पवन के वेग का संनियामक हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, दाब प्रवणता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 53 क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 94 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त है, आपको वृहत वृत्त के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा चौथे ऑप्शन में है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 94 का हो जाएगा भूमध्य रेखा, क्योंकि आइए जान लेते हैं इसको, इसे हमारी पृथ्वी है, तो दोस्तों ये इसका मिडल पॉइंट है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब इसका देख लेते हैं तो व्यास के तौर पर इस व्यास इसका सबसे ज़्यादा है, ऊपर होती है कर्क रेखा और उत्तरी अक्षांश में, और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दोस्तों मकर रेखा होती है, एकदम उत्तरी ध्रुव पे हो जाएगा उत्तरी ध्रुव रेखा। तो दोस्तों जो इसका व्यास देखें तो कर्क रेखा और मकर रेखा का कम होगा सापेक्षता भूमध्य रेखा के, तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो कौन सा वृहत वृत्त मतलब सबसे बड़ा वृत्त होगा, तो भूमध्य रेखा का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चक्रवात के बारे में देखते हैं, चक्रवात क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध में अल्प दाब तंत्र के साथ दक्षिणावर्त पवन, उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब तंत्र के साथ वामावर्त पवन, उत्तरी गोलार्ध में अल्प दाब तंत्र के साथ वामावर्त पवन, उत्तरी गोलार्ध में उच्च तंत्र के साथ दक्षिणी दक्षिणा वर्त पवन। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्तरी गोलार्ध में अल्प दाब तंत्र के साथ वामावर्त का पवन, ये हो जाएगा चक्रवात से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिमपात होता है जब पानी की बूंदें जमी पर गिरते ही जम जाती हैं, वर्षा की बूंदें वायु में आर्द्रता के कारण ऊपर की तरफ जाती हैं, वायु का अवशांक हिमांक से नीचे होता है, वायु में अधिकतर नमी होती है और वह सम्मोहन के कारण ऊपर उठती है। तो हिमपात होता है जब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वायु का अवशांक हिमांक से नीचे होता है, तो दोस्तों तभी हिमपात होता है जब वायु का अवशांक हिमांक से नीचे होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है, यह एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मापन यंत्र, तो इसका नाम स्लिंग साइक्रोमीटर, इसे क्या नापा जाता है, क्या मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन में देख लेते हैं, तापमान, आर्द्रता, दाब या पवन वेग।
57वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, स्लिंग साइक्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लिंग साइक्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तापमान किससे मापी जाती है? तापमान केल्विन से मापी जाती है, केल्विन इसका मात्रक है। दाब, इसको इंग्लिश में प्रेशर कहा जाता है, दाब का मात्रक होता है न्यूटन। दाब दाब प्रेशर, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका सूत्र होता है एफ बाई ए, जहाँ एफ हो जाएगा फोर्स और ए हो जाएगा एरिया, तो ये पी बराबर प्रेशर होता है दोस्तों। तो दाब का मात्रक जो हो जाएगा वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्योंकि फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और एरिया का मात्रक वर्ग मीटर होता है, तो इसका हो जाएगा दाब का मात्रक न्यूटन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा दाब का मात्रक। पवन वेग, रियल वेलोसिटी देख लेते हैं दोस्तों, इसका मात्रक क्या हो जाता है? तो पवन वेग का हो जाता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर पवन वेग का जो है मात्रक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका हो जाएगा आर्द्रता। आगे देखते हैं, अशोक डैश राजवंश के एक सम्राट थे, अशोक किस राजवंश के सम्राट थे ये आपको बताना है। तो महान अशोक मौर्य वंश के शासक थे, आपको पता होगा क्योंकि ये बहुत फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ और दिए गए हैं ऑप्शन, वो देख लेते हैं। मुग़ल, मुग़ल के जो संस्थापक थे वो, उनका नाम था बाबर। एक चोल वंश है और एक गुप्त वंश है, इनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। चोल वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम विजयालय है, विजयालय। जो गुप्त वंश के हैं उनका था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट संस्थापक माने जाते हैं गुप्त वंश के। श्रीगुप्त भी कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहता है। चोल वंश के तो विजयालय। तो दोस्तों अशोक किस राजवंश के थे? मौर्य वंश के, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ आपको बताना है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूरेनियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो यूरेनियम उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कजाकिस्तान यूरेनियम के उत्पादन में सबसे आगे है, प्रथम स्थान है उसका। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन जो कि हमने दो वीडियो में कवर किए हैं, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया।